हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम रुके हुए हैं इस गांव के अंदर, जो कि एक चर्च है। और जस्ट मेरे पीछे जो दिख रहा है ये चर्च है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं रात को यहीं पे रुके हुए थे हम लोग। दोस्तों, ये चर्च आप देख सकते हो कितना सुंदर सजावट कर रखी है इन लोगों ने। और ये इधर पोस्टर पास्टर पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया इनका, क्योंकि वो ये तमिल में लिखा हुआ है सारा का सारा। चलते हैं यहाँ से अभी जस्ट पांडिचेरी के लिए। पांडिचेरी यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, आज पहुँच जाएंगे, लगभग 4 बजे पहुँच जाएंगे हम। तो चलते हैं, सबसे पहले ईडन बीच आएगा, ईडन बीच पे चलेंगे और मिलते हैं आपसे पांडिचेरी के अंदर। और यहाँ पे देखो ना, तो ये मूर्ति लगी होती है और कैंडल से इनकी प्रेयर होती है, कैंडल जलाते हैं। अभी लगभग 5-7 किलोमीटर चलने के बाद मैं गाँव के अंदर एंटर करता हूँ। और दोस्तों, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरे के धान लगाए हैं और पूरे के वो क्या बोलते हैं ना, खतपरवार निकाल रहे हैं। और सामने देखो कितना प्यारा लुक है, यहाँ पे पूरा पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको और कोई नहीं दिखेगा। और जस्ट ऐसा माहौल है कि यहाँ पे मैं कम से कम 2 घंटे रुक के जाऊँगा, अब आराम से बैठूँगा फिर निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक पहुँच जाएंगे चाहे पांडिचेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने का। चलो पेड़ की छाँव देखते हैं और रुकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, फिर निकलेंगे आगे। दोस्तों चलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि सोनू अलग रूट से आ रहा था, मैं अलग रूट से जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा सोनू आगे पता नहीं कब। तो फाइनली दोस्तों, हम पांडिचेरी पहुँच जाते हैं और जस्ट आप देख सकते हो कि हम पांडिचेरी के जस्ट बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ मैं अभी। और पीछे इधर पीछे की साइड तमिलनाडु है, सामने पांडिचेरी है, जो मैं दिखा देता हूँ ये बॉर्डर है जस्ट तमिलनाडु पांडिचेरी का और तमिलनाडु का। तो अभी चलते हैं ईडन बीच पे, ईडन बीच यहाँ सबसे पास। दोस्तों अभी जा रहे हैं ईडन ब्लू बीच, और ईडन ब्लू बीच को ब्लू फ्लैग नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं यहाँ से, और 2 मिनट की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 1 किलोमीटर बचा है। तो चल दोस्तों, फाइनली ईडन ब्लू बीच पे पहुंच ही जाता हूं मैं। तो अभी देख सकते हो मैं जस्ट इधर साइकिल हमारे पार्क कर दिया है, उधर से रास्ता ब्लॉक था, मतलब उधर से साइकिल नहीं आने दे रहे थे, तो जस्ट इधर साइड से आया और इधर साइकिल पार्क कर दी मैंने। और ये देखो सनसेट का सीन है इधर, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि यार कैमरा भी अच्छा नहीं है, फिर भी चलो कोई नहीं। ब्लू ये बीच देखो आप, यहाँ पे ना फॉरेन मतलब विदेशी लोग बहुत ही होते हैं, बहुत ज़्यादा, गोवा की तरह सेम टू सेम मिनी गोवा मान लो पांडिचेरी को, या सेम टू सेम गोवा ही मान लो आप, ऐसा ये बीच ही बीच है यहाँ पे दिखाने के लिए। तो जस्ट मैं आया हूँ, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बीच है, तो इसी पे आगे। और देख लो कितना पब्लिक आता है इधर, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होता है। और दोस्तों ये है ना क्लोजिंग टाइम है, यहाँ पे 6 बजे ये बीच बंद हो जाता है, अभी 5:30 हो रहे हैं, तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि फिर बाद में ये परेशान करते हैं। यहाँ का पुलिस है ना, चेन्नई पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इधर का लॉ एंड ऑर्डर ना बहुत खतरनाक है भाई, इधर क्राइम तो 0% होता है अभी तक मैंने देखा है तमिलनाडु के अंदर, तो 0% है। और ये तो शायद पांडिचेरी है इधर का पुलिस अलग होगा, लेकिन फिर भी यार जो आस पास है वैसा माहौल तो बना ही रहेगा। देखो ये डिजाइन है, छोटी सी बच्ची बना रही थी अभी चलेगी। और ये देखो कितना प्यारा सीन आ रहा है इधर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से चलते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें भी यार यहाँ पे, इतना ज़्यादा टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आके इधर। और अभी चलते हैं इधर नाइट में, क्योंकि हमें रात हो जाएगी इधर से निकलते निकलते, मेन रोड से जाते हैं। दोस्तों फाइनली टाइम हो गया, 6 बज गए और निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि पुलिस वाले भी चिल्ला रहे हैं और कुछ गाड़ी का हॉर्न साउंड है। और देखो कितने सारे लोग हैं, बिल्कुल यहाँ का संस्कृति अलग है, बिल्कुल ख़तरनाक है भाई, इधर लोग ही आते हैं विदेश के आते हैं, तुम जानते हो कैसे तरीके से आते हैं। और जस्ट ये सीन देखो सामने वाला इतना आता है, और काफ़ी लोग साइड भी नहीं दे रहे यार, ये लोग कितने देख पा रहे हैं भाई, साइड दे दो यार हम चले जाएँ। चलो चलते हैं फिर भी यहाँ से, और ये वाला सीन और भी खतरनाक है, नाइट हो चुकी है।
दोस्तों ये सिटी का देखो 7 बजे का सीन है। अभी देखो ट्रैफिक बिल्कुल भी जीरो लग रहा है मेरे को, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा। और चलते हैं यहाँ पे, मतलब इतनी क्या चक्कर है, इतना बड़ा सिटी होने के बाद ट्रैफिक नहीं है और 7 बज रहे हैं। इस टाइम तो पूरा पब्लिक होता था बॉम्बे के अंदर, तो पूरा ट्रैफिक जाम रहता था इस टाइम से लेके 10 बजे तक तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा अभी तक तो। और चलते हैं आगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी के लिए पांडिचेरी प्रसिद्ध है फ्रेंच। दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था अभी, मतलब यहाँ पे गाने होने पूरा प्रोग्राम हो रहा है, तो जस्ट एंजॉय करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ पांडिचेरी से बाहर चेन्नई की साइड। रात हो चुकी है, अभी सोएंगे जाके कहीं। Oh, yeah, yeah, yeah.